चलिए अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज सीएम मोहित तापरिया एंड वी हैव स्टार्टेड अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ टीचिंग फ्री टू सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 12th गुजरात बोर्ड. हम लोगों ने हमारा एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है. सो वी आर राइट नाउ स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट इनफ. आज हम स्टैट्स के सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. पॉइंट टू पॉइंट बात रहेगी, मुद्दे की बात रहेगी, सो जस्ट कीप फोकसिंग ओवर हियर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ Statistics and the name of the chapter is all about index number. आपको यहाँ पे बोर्ड पे सब कुछ दिखता रहेगा, just focus. So जब हम बात करते हैं index number की, सबसे पहला सबसे important बात हमारे सामने जो raise होती है that why are we doing this chapter? What is the importance of doing this chapter? How this chapter is useful to us? ये chapter किस तरह से हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आने वाला है वो हमें जानना, वो हमें समझना जरूरी है. Index number chapter is a particular chapter जो डील करता है वेरिएशंस के साथ में, जो डील करता है डिफरेंसेस के सामने, जो डील करता है कि किन चीजों में कितना चेंजेस आ रहा है उसे समझता है, उसे वेरिएशन कहा जाता है. ना डे टू डे लाइफ देयर आर मेनी मेनी चेंजेस इन मेनी मेनी थिंग्स, राइट. देयर आर चेंजेस इन प्राइसेस, देयर आर चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट, देयर आर चेंजेस इन इकोनॉमिक लिटरेसी रेट, देयर आर चेंजेस इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी एंड मेनी अदर थिंग्स, राइट. सो इन चीजों के चेंजेस को, इन चीजों के वेरिएशन को स्टडी करने का काम जिसका होता है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज टर्म्ड एज इंडेक्स नंबर. जब हम बात करते हैं वेरिएशंस की तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन. मैंने आपको यहाँ पे सब लिख के रखा है. वेरिएशंस दो तरह के रहेंगे. सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट मेथड एंड दूसरा होता है रिलेटिव मेथड. द फर्स्ट मेथड इज नोन एज एब्सोल्यूट मेथड एंड द सेकंड मेथड इज नोन एज रिलेटिव मेथड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मेथड, उसके ब्रैकेट में एक छोटा सा वर्ड लिख दो जो उस मेथड को खत्म कर देता है. एक सिंगल वर्ड से मेथड पूरा समझ सकते हैं, दैट इज ओनली डिफरेंसेस. उस मेथड को हम सिंगल चीज में बोलेंगे, दैट इज डिफरेंसेस. जबकि रिलेटिव मेथड में हम लिखते हैं रेशियोस. मैं एलोबरेट करूंगा दोनों को. एब्सोल्यूट मेथड कहता है कि हमें दो चीजों का सिर्फ डिफरेंस निकालना है कंपेयर करने के लिए, हमें दो चीजों का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालना है उसे कंपेयर करने के लिए. जबकि रिलेटिव मेथड कहता है डिफरेंस इज नॉट एट ऑल दैट मच सफिशियंट, आपको उसका प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा, आपको उसका रेशियो निकालना पड़ेगा. अब फिलहाल मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मेथड बेटर है, आपको समझना है. एट द एंड ऑफ द टॉपिक आप समझ जाओगे विच ऑफ द मेथड इज गुड फॉर अस. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट मेथड की. एब्सोल्यूट मेथड किस तरह से डिफरेंसेस निकालेगा. एब्सोल्यूट मेथड के लिए मैंने बीच में आपको एग्जांपल दे रखा है जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, दैट देयर आर टू पर्टिकुलर कमोडिटीज और एनी पर्टिकुलर आइटम्स आई हैव नेम्ड इज एक्स एंड वाई. हमने उनको दो सालों पे कंपेयर किया है. पहला ईयर है 2019, दूसरा ईयर है 2020. सो अगर हम प्राइस नोट करें तो एक्स की प्राइस 2019 की है 24 रुपए, 24 रुपीज, एंड वाई की प्राइस, एक्स की प्राइस 2020 की है 30 रुपीज. So, absolute method कहता है just compare the prices, 30 minus 24, therefore difference is 6 rupees. This is absolute method, right? Y को भी compare करेंगे, मैंने X को compare किया. अगर Y को compare करेंगे तो हो जाएगा 46 minus 40, again the difference is 6 rupees. So, absolute method कहता है कि दोनों particular commodity के अंदर absolute difference है 6 rupees का, that is just same, right? जबकि प्रोपोर्शन मेथड ये नहीं कहता है. प्रोपोर्शन मेथड कहता है कि हमें दो चीजों का प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, राइट. चलिए रिलेटिव मेथड में अगर हम कमोडिटी एक्स की बात करेंगे तो रिलेटिव मेथड में कमोडिटी एक्स हमें बता रहा है दैट प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25. जबकि अगर हम वाई का निकालने जाएंगे तो होगा प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, मतलब हमारा आंसर आने वाला है 1.15. अगर अब आप देखोगे तो हमें एब्सोल्यूट मेथड ने धोखा दिया है, राइट. उसने हमें हाफ नॉलेज दिया, अधूरा ज्ञान दिया है. एब्सोल्यूट मेथड ने कहा है कि एक्स और वाई दोनों में डिफरेंस सेम है, दोनों में प्राइसेस सेम बढ़े हैं. जबकि रिलेटिव मेथड कहता है नहीं, ऐसा नहीं है. रिलेटिव मेथड कहता है कि अगर हम बेस से कंपेयर करें तो एक्स की प्राइस पहले 24 थी जो आज हो गई है 30, मतलब प्राइस 25% से बढ़ी है, 1.25 मतलब 25. जबकि y की prices 1.15 मतलब 15% से बड़ी है. So it is wrong to say कि absolute और relative method दोनों सही चीज बता रहे हैं. Absolute ने गलत बताया, उसने कहा कि price दोनों में same बड़ी, that is difference is 6. But relative method कहता है आप difference 6 बता सकते हो, but the percentage change is different. एक में 25% change है जबकि दूसरे में 15% change रहेगा. So this is the reason कि the verdict is here that absolute method is not as good as compared to relative method, क्योंकि relative method हमें ज़्यादा अच्छा exposure देता है, ज़्यादा अच्छा understanding देता है किसी particular चीज़ के variation को निकालने के लिए. So this was our first method. आप लोग screen को बीच में pause करके इसको copy कर सकते हो, अपने running notes बना सकते हो to make things more effective for you people. Now we are moving further. So in short, हमने index number की basic definition क्या समझ ली? हमने समझ लिया that index number is basically
The percentage change in the value of variables, it is basically a percentage change in the value, right? हमें percentages पता चलते हैं कि variables में कितना-कितना changes आने वाला है. So the percentage change in the value of variables associated with what item in the given period of time as compared with any particular fixed period. हम किसी भी एक fixed period से जब current period को compare करेंगे, तो उस basic value को कहा जाएगा index number. उस चीज को कहा जाएगा index number. आगे बढ़ूंगा मैं. अब जहां पे यहाँ पे दो चीज आएगी, पहला था गिवन पीरियड और दूसरा था फिक्स पीरियड. तो इन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फिक्स पीरियड को हम बोलेंगे बेस ईयर. जिस पीरियड से हम कंपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं बेस ईयर, और जो हमारा करंट ईयर रहेगा, गिवन पीरियड रहेगा, उसे हम कहेंगे करंट ईयर. अब सबसे पहले सवाल ये दिमाग में आएगा कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड बेस ईयर. बेस ईयर क्यों जरूरी है? ऑलवेज व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स, हमें एक बेस चाहिए कंपैरिजन के लिए. जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि एंड्रॉइड फोन कौन सा बेटर है, तो आप किसी एक फोन को दूसरे फोन से कंपेयर करोगे कि भाई दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज नॉट गुड, दिस ब्रांड इज गुड. तो हमें एक ब्रांड को अच्छा बताने के लिए किसी एक बेस की जरूरत पड़ती है कि कंपेयर टू दिस, दिस इज गुड, कंपेयर टू एंड्रॉइड iOS इज गुड, और वाइस वर्सा, iOS से कंपैरिजन में एंड्रॉइड इज गुड. यू ऑलवेज नीड अ बेस टू कंपेयर. Like a parents keeps you people comparing कि देख उसके तेरे से ज़्यादा marks है, वो तेरे से ज़्यादा दुबला है, वो तेरे से ज़्यादा healthy है, वो तेरे से ज़्यादा fit है, वगैरह वगैरह. They always have a base for comparing us, right? So this basic base year is always required for comparing anything. आपको कुछ भी compare करना है, income compare करनी, growth compare करना है, we need base year. कि पाकिस्तान के अंदर unemployment India से ज़्यादा है, China के अंदर skilled labors India से ज़्यादा. So in short, हम लोग आराम से इन चीजों को एक basic base लेके compare करें. So base year मतलब हो जाता है वो year जिस साल से हम current year को compare करेंगे. अब ध्यान रखना base year की कुछ चीजें important चीजें हैं. सबसे पहला base year एक normal year होना चाहिए. Base year एक normal year होना चाहिए. Normal मतलब उसके अंदर कोई भी unpredictable situation नहीं होनी चाहिए. जैसे कि this corona year, right? हम इस year को base year नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस साल के अंदर बहुत सारे business खत्म हो गए, बहुत सारे नए business grow हो गए, बहुत सारे business पे negative impact आया, बहुत business में positive impact आया है. Then this is not good to take this year as base year because this is not a normal year. हमें एक normal year लेना है जिस साल में कुछ भी unpredictable situation create नहीं हुई हो. Second अगर हम बात करेंगे, so base year ज़्यादा दूर का नहीं होना चाहिए. It must not be too far. ज्यादा दूर के साल को आप बेस ईयर मत ले लेना क्योंकि ज्यादा दूर के साल को बेस ईयर लेने में डिफरेंस क्रिएट होता है बहुत ज्यादा. मतलब पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत चीजें बदल गई है, तो कंपैरिजन का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन एसेंस होता है, वो खत्म हो जाता है. लाइक वी आर इन 2020 नाउ, वी कांट कंपेयर 2020 विद 2010 और 2001 क्योंकि वहां से लेके यहां तक में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. सो इतने दूर का बेस ईयर नहीं लेना चाहिए. 2001 में इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था. टुडे वी आर हैविंग वाईफाई 100 एमबीपीएस स्पीड एंड मोर, राइट? सो इट इज नॉट गुड टू कंपेयर दोस पर्टिकुलर इयर्स. इसलिए आप जब भी कंपैरिजन करो तो आपका बेस ईयर मस्ट बी नियर अबाउट 4 साल 5 साल के आसपास का होना चाहिए. बट डोंट वरी, यहां पे आपको ये सब सोचने की बारी नहीं आएगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा दैट दिस इज योर बेस ईयर, टेक दिस एज बेस ईयर एंड डन विद इट, राइट? सो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा. जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज इन रियल लाइफ अगर आप इंडेक्स नंबर का भी यूज कर रहे हो, सो मेक श्योर कि इंडेक्स नंबर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए. करंट ईयर हमें पता ही है, करंट ईयर मीन्स द करंट ईयर द गिवन ईयर. सो जिस पर्टिकुलर ईयर में हम अभी है, दैट ईयर इज बेसिकली करंट ईयर. जिस पर्टिकुलर ईयर में आज हम है, वो हमारा करंट ईयर रहेगा. ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है आगे के सब फॉर्मुलेज के लिए, सो प्लीज कीप फोकसिंग ओवर हियर. मैंने अभी आपको बताया बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर. हम इस पूरे चैप्टर में बेस ईयर को बोलते हैं P0 और करंट ईयर को बोलेंगे P1. P denotes price. So price of zero year मतलब price of base year and P1 मतलब price of current year. याद रहना चाहिए अगर आगे में कभी भी P1 लिखो मतलब it's price of current year, मैं P0 लिखो मतलब it's price of base year. So now we are going to start with different methods of doing index number. वैसे तो बहुत सारे मेथड है. हमारे बुक ने हमें सबसे पहले दो मेथड के साथ में स्टार्ट करने को कहा है. The first method is termed as fixed base index number. और सेकेंड मेथड को कहा जाता है चेन बेस इंडेक्स नंबर. पहले मेथड को कहा जाएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर और सेकेंड मेथड को कहा जाएगा चेन बेस इंडेक्स नंबर. देखिए फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर मींस व्हाट, नाम भी कह रहा है, बेस इज फिक्स्ड, वी आर गोइंग टू टेक अ फिक्स्ड बेस, तो उसे कहा जाएगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर. आपका फॉर्मूला रहेगा प्राइस ऑफ करंट ईयर, सी वाई डिनोट्स करंट ईयर, अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100. प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100.
This would be a basic formula for calculating index number, right? Sabse simple, sabse basic formula, fixed base index number, price of current year upon price of base year into 100. Yahan pe base year ek constant year rehne wala, there would be no changes in the base year. Base year ek fixed year rehne wala hai, that is price of current year upon price of base year. Agar hum baat karte hain chain base index ki, to chain base index ke andar hamara formula rehta hai price of current year upon price of preceding year. Yahan pe hum pichle saal se compare karte hain. Fixed base में we take a fixed base, कोई भी हो सकता है, 10 सालों के अंदर का कोई भी एक year हमने base year ले लिया, that would be basically our base year, जबकि chain base के अंदर हमें last available data को ही लेना पड़ता है, जो भी हमारे पास last available data होगा, that would be used while calculating chain base index number, इसलिए आप fixed base को चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, P1 upon P0 into 100, मैंने आपको पहले कहा था, P1 denotes current prices, P0 denotes base prices into 100, that is also the formula for fixed base index number. जबकि चेन बेस का फॉर्मूला हो गया करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, हमेशा परसेंटेज में रहता है ये, इसलिए करंट ईयर अपॉन पीवाई प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. सो यस, मैंने आप लोगों के लिए एक सम रेडी किया है. सो इस सम से मैं आपको दोनों मेथड को अच्छे से एलाबोरेट करना सिखाता हूं, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड. इन दिस गिवन क्वेश्चन हमें निकालना है फिक्स बेस और चेन बेस. हमें दे रखे ईयर, ईयर स्टार्ट हमने किया 1971 से लेकर 2021 तक. आई हैव टेकन 10 इयर्स ऑफ गैप, लाइक सेंसेस आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है. एंड सेकंड इज प्राइजेस, प्राइजेस आर 34, 48, 62, 78, 97 एंड 104. हमें एक ईयर को बेस लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा फिक्स बेस का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 into 100. हमारा फॉर्मूला रहेगा P1 अपॉन P0 into 100. This is the formula. Therefore, हम लोगों ने इस ईयर को 2001 को हमने मान लिया हमारा बेस ईयर. So, हमारा करंट फॉर्मूला रहेगा प्राइस ऑफ करंट ईयर, दैट इज 34 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर, दैट इज 78 into 100. This is the first formula. Solve करने पे आपको आंसर आएगा 43. Second का प्राइस ऑफ करंट ईयर अगेन 48 अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर into 100. Solve करने पे आपको आंसर आएगा 61. प्राइस ऑफ करंट ईयर थर्ड में 62 अपॉन बेस ईयर 78 इनटू 100. सॉल्व करने पे आंसर आएगा 79. इस केस में करंट ईयर भी 78 है भैया, बेस ईयर भी 78 है, तो इनटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली 100. नेक्स्ट में करंट ईयर 97, बेस ईयर 78 इनटू 100, सो आपका आंसर आ जाएगा 124. एंड उसके बाद में करंट ईयर है हमारा 104 अपॉन बेस ईयर 78 इनटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 128. सो दिस इज बेसिक कंपैरिजंस. हम लोगों ने क्या किया है, आप ऑब्जर्व करोगे कि एवरी टाइम बेस ईयर इज कांस्टेंट, 78 78 78, हर बार बेस ईयर कांस्टेंट रहेगा बिकॉज़ दिस इज अ फिक्स्ड बेस मेथड. यहां पे हमें बेस ईयर को चेंज करना नहीं है, यहां पे हर बार एवरी टाइम बेस कांस्टेंट रहने वाला है. यहां तक आपका फर्स्ट मेथड क्लियर है. सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड मेथड, जहां पे हमारा फार्मूला रहता है करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर. चेन बेस मेथड हम स्टार्ट करने वाले, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. मैंने कहा था चेन बेस में हमें हमेशा लास्ट अवेलेबल डेटा से कंपेयर करना है, जो भी इससे पहले डेटा निकाला गया है उसको लेना है. देयर इज नो बेस ईयर, क्वेश्चन में आपको बेस ईयर नहीं दिया होगा, आपके पास जो भी लास्ट अवेलेबल डेटा होगा आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा. मैं फार्मूला आपके लिए लिखूंगा फर्स्ट का. अगर हम फर्स्ट को देखेंगे तो करंट ईयर है हमारा 34, इसमें हमें बेस ईयर नहीं पता, वी डोंट हैव लास्ट अवेलेबल डेटा, तो आप करंट ईयर को बेस ईयर भी ले लोगे, 34 अपॉन 34 इनटू 100, सो आपका आंसर एग्जैक्टली वापस से 100 आ जाएगा फर्स्ट केस के अंदर. सेकंड केस में हमारा करंट ईयर है 48, हमारा बेस ईयर है 34, प्रीसीडिंग ईयर है 34, लास्ट ईयर को लेना है. मैंने कहा था देयर इज नो बेस, जो भी पिछला साल होगा वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर रहेगा, सो आपका फार्मूला रहेगा 48 अपॉन 34 इनटू 100, सो हमारा आंसर रहने वाला है 141. थर्ड केस में आवर करंट ईयर इज 62, प्रीसीडिंग ईयर इज 48 अगेन इनटू 100, सो हमारा आंसर रहेगा 129. फोर्थ केस में करंट ईयर इज 78, प्रीसीडिंग ईयर इज 62 इनटू 100 अगर हम करेंगे हमारा आंसर रहेगा 126. नेक्स्ट में करंट ईयर इज 97, बेस ईयर इज सॉरी प्रीसीडिंग ईयर इज 78 इनटू 100, सो हमारा आंसर रहेगा 124. एंड द लास्ट वन करंट ईयर 104 अपॉन प्रीसीडिंग ईयर 97 इनटू 100, सो हमारा आंसर रहने वाला है 133. सो दीज आर बेसिक टू मेथड्स, बड़े सिंपल बड़े डिफाइंड मेथड है.
वापस एक बार देख लेना, मैंने आपको बताया फिक्स बेस मेथड और मैंने आपको बताया चेन बेस मेथड। फिक्स बेस में बेस हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन कैन बी योर बेस हियर। आप उसमें ये मत सोचना दे हैव टेकन टू फार हियर या इस साल में तो फ्लड आया था इन लोगों ने ये साल क्यों लिया, आपको वो नहीं सोचना। आपको जो क्वेश्चन में देंगे दैट इज योर बेस हियर। कभी कभार ये लोग बेस हियर डायरेक्टली नहीं देंगे, ये आपको बेस हियर को घुमा फिरा के देंगे। इट कैन बी लाइक दिस कि वो आपको ऐसा बोले, इट कैन बी लाइक दिस कि वो आपको ऐसा बोले कि टेक एवरेज ऑफ दीज टू ईयर्स बाई 2001 और 2011 के एवरेज को बेस हियर ले लो। तो आपको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके बेस ईयर लेना पड़ेगा। सो दे कैन आस्क यू बेस ईयर, वो आपको बेस ईयर में कभी कुछ ट्रिक्स दे सकते हैं, बट नॉर्मल केसेस में नहीं देंगे। तो आपको जो साल कहा जाएगा दैट वुड बी योर बेस ईयर। करंट ईयर चेन बेस मेथड में तो बड़ा सिंपल रहेगा, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर, जो भी लास्ट अवेलेबल डेटा होगा। इसमें यह मत सोचना कि प्रीसीडिंग ईयर मतलब लास्ट साल होता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी लास्ट अवेलेबल डेटा होगा दैट इज अ प्रीसीडिंग ईयर। अगर 1971, 72, 73, 74 दिया होगा तो 74 का प्रीसीडिंग 73, 73 का प्रीसीडिंग 72, वो चलेगा। राइट इनफ। सो दीज आर द टू बेसिक मेथड्स ऑफ डूइंग इंडेक्स नंबर। दैट्स इट।